आपको पता है कि आपके कॉस्मेटिक्स में लाल रंग कीड़ों से आता है? इस एनिमल डिराइव्ड इंग्रेडिएंट्स का नाम है कारमाइन। चलिए देखते हैं कि ये रंग कीड़ों से आपकी लिपस्टिक तक कैसे पहुंचता है। कारमाइन एक रेड डाई है जो आमतौर पर लिपस्टिक्स, आई शेडोज और लिप ग्लॉस में इस्तेमाल की जाती है। कारमाइन को एक पिगमेंट की तरह मेकअप में गहरा लाल रंग देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कंपनीज इस कलर को प्रोडक्ट्स के इंग्रेडिएंट लेबल पर छिपाकर कई नामों से लिस्ट करती हैं। कॉचिनिल, कॉचिनिल एक्सट्रैक्ट, क्रिम्सन लेक या फिर कारमाइन लेक कुछ कॉमन नाम हैं। तो चलिए ये जानते हैं कि ये कलर कहाँ से आता है। कंज्यूमर आइटम्स में आर्टिफिशियल कलर्स का इस्तेमाल करने पर काफी रोक टोक है, जिसकी वजह से बड़े ब्रांड्स कोचिनल्स नामक कीड़े की डाई बनाकर उसे नेचुरल बताकर प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि हर मुनाफा बनाने वाले बिजनेस में होता है, इस डाई बनाने वाले कीड़े की खेती की जाती है। इन सफेद कीड़ों को सबसे पहले इकट्ठा किया जाता है और खौलते पानी में बॉइल किया जाता है। इसके बाद जैसे जैसे कीड़ों को पीसा जाता है, वैसे वैसे वो रेड डाई में बदलना शुरू हो जाते हैं। ड्राई करने के बाद उनका पाउडर बनाया जाता है, जिसे कॉस्मेटिक्स बनाने वाली कंपनीज को सस्ते दामों में बेच दिया जाता है। एक प्रोडक्ट जिसमें कारमाइन है, उसे नेचुरल बताकर बेचा जाता है। अगर आपके प्रोडक्ट पर वीगन या क्रुएलिटी फ्री का लेबल लगा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो वाकई ही वीगन है, क्योंकि ये टर्म्स कंपनी अपने मुनाफे के लिए किसी भी तरह तोड़ मरोड़ कर इस्तेमाल कर सकती है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आप इस बारे में क्या कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका है कि आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसके इंग्रेडिएंट्स अच्छे से पढ़ लें और समझ लें, और उन कंपनीज के एनिमल पॉलिसी के बारे में अपने आप को एजुकेट करें। अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा हो तो आप इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें।